लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं। गाइस आज का ये वीडियो व्यू का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लूपिंग डायरेक्टिव्स पर बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास सिंपल पीएचपी के अंदर लूपिंग के लिए फॉर लूप होता था, व्हाइल लूप होता था, फॉर ईच फंक्शन होता था और इनमें स्टेटमेंट्स यूज होती थी कंटिन्यू और ब्रेक की, तो इसी तरह हमारे पास लारावेल के अंदर लूपिंग डायरेक्टिव्स होते हैं जिनकी मदद से आप लोग वही वाले काम परफॉर्म कर सकते हो जो आप लोग सिंपल पीएचपी के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर ईच फंक्शन से करते थे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को प्रैक्टिकल करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल मियांवाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि लारावेल के अंदर जो ब्लेड हमें मिलता है उसके अंदर हमारे पास लूपिंग डायरेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो हमें लारावेल प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्राउजर मिनिमाइज करके अपना लारावेल कंप्लीट कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो वीएस कोड हमारा ओपन हो चुका है। व्यू के अंदर हमारे पास लेक्चर 1.ब्लेड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने ब्लेड के अंदर पीएचपी को लिख सकते हैं डायरेक्टिव की मदद से, और साथ ही साथ हम लोग लेआउट के डायरेक्टिव भी हम लोगों ने देख लिए थे, और लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल डायरेक्टिव देख लिए थे, और आज का ये हमारा लेक्चर 3 है ब्लेड से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर lecture_3.blade.php लिखूंगा, तो ये मेरा तीसरा आ गया है। वेब में जाऊंगा और सिंपल जो स्लैश है, सिंपल स्लैश, ठीक है, तो जो सिंपल स्लैश है उस पे मेरा जो lecture 3 है वो ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर इसको ना ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना इसको इस तरह रहने देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर ना इसको ऐसा करते हैं कमेंट कर लेते हैं, और नीचे वाले राउट को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर कहता हूँ कि सिंपल स्लैश के अंदर व्यू में जो lecture 2 है, 3 है ना, वो ओपन हो जाए। एंड ऊपर वाले राउट को क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ। एंड दूसरा ये कि ये जो टर्मिनल है ना, एक न्यू टर्मिनल लूंगा, पुराना टर्मिनल बंद कर दूंगा, और यहाँ पर लिखता हूँ php artisan serve एंड देन हिट एंटर। तो ये मेरा यहाँ पर होस्ट हो चुका है और यहाँ पे रन भी हो चुका है। कुछ नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है lecture 3 के अंदर कुछ है भी नहीं, तो आएगा क्या चीज। तो lecture 3 के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं लूपिंग डायरेक्टिव इन .blade.php। ओके, तो इसके अंदर पहले नंबर पे हमारे पास आता है @ और, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है @while, तीसरे नंबर पे आता है @forEach, फोर्थ नंबर पे आता है जी कंटिन्यू, ठीक है, @continue एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है @break। तो ये पांच जो है डायरेक्टिव आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझने हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप। तो फॉर लूप किस लिए यूज किया जाता है, ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग @for लिखेंगे ना, तो ये देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो इसकी हो गई है ऑटोमेटिकली, और इसमें अगर मैं एक आई दूं 1 एंड ये जो आई है जब तक ये लेस होता है 10 से, तो तब तक जो है ना ये चीज चलती रहे। और यहाँ पे ऐसा करते हैं एक सिलेक्ट वाला ऊपर बना लेता हूँ, सिलेक्ट बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको कट, नीचे आके करते हैं पेस्ट, यहाँ पे देते हैं जी OPT ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन मैंने लिख दिया है। इसके अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको जी, जो आई आ रहा है, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आया है एक बड़ा सा एरर, और ये एरर क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर आया है, अनएक्सपेक्टिंग क्या है कॉलम। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है वो डॉलर से नहीं बनाया और डॉलर से यूज भी नहीं किया, और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी $i लगाना था। तो यहाँ पे आते हैं एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये चीज़ आ चुकी है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो ये देखो 9 तक आ चुका है। तो बिलफर्ज जिस तरह हमारे पास टाइम होता है, तो टाइम
कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर ठीक है तो 60 के दरम्यान, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो 0 से लेकर यहाँ पर देखो हमारे पास इतना बड़ा ड्रॉप डाउन आ चुका है। तो ये काम हम लोगों ने किया है जी PHP की मदद से। तो आई होप सो कि आप लोगों को फॉर लूप की समझ आ गई होगी। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से कमेंट, और कमेंट करने के बाद इसको ले जाते हैं नीचे। और अगला हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, व्हाइल लूप को देखना है। तो व्हाइल लूप के लिए सिंपल @while, और अगर यहाँ पर कंडीशन सही होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ इफ, देखो ना ऐसा करते हैं कि ना यहाँ पर जो $i है ना वो अगर छोटा होता है, वो अगर तो नहीं, अच्छा यहाँ पर ना मैं बताता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू इक्वल इक्वल टू अगर होता है येस, क्या होता है येस होता है, तो ये चीज चलती रहे। और यहाँ पर क्या आएगा, बल्कि यहाँ पर कंटिन्यू लिखते हैं ना, तो कंटिन्यू में बल्कि इसका भी उसी तरह लॉजिक बना देते हैं जिस तरह नीचे वाले का बनाया है। तो मैं यहाँ पर i लिख रहा हूँ, एंड देन मैं कहता हूँ कि ये अगर छोटा है 10 से तो क्या होगा, नीचे वाली बॉडी चलेगी जिसमें क्या होगा कि हमारे पास एक H1 है, एक H1 है जिसके अंदर मैंने लिखा है, जिसके अंदर सिंपल मैंने इस i को प्रिंट करवा दिया है। एंड यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट भी करना है तो PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी, PHP स्टार्ट एंड इसी के अंदर ही मुझे इसको इंक्रीमेंट करना होएगा। तो अब ये वर्क करेगा, और शुरू में जो i की वैल्यू है वो सेट करता हूँ 0, ठीक है। तो ये भी कैसे सेट होगी, ये भी PHP स्टार्ट एंड करनी पड़ेगी, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एंड इसको मैं नीचे ले आता हूँ एंड सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इधर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन ये नीचे 9 तक जा रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो ये लूप इस तरह से आप लोगों ने चलाना है। देखो ये जो हम लोग डायरेक्टिव लिखते हैं ना, इनके अंदर आप लोग PHP नहीं लिख सकते, इनके अंदर आप लोगों ने HTML ही लिखनी होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इनके अंदर PHP लिखनी है तो फिर आप लोगों को PHP स्टार्ट एंड क्लोज करनी पड़ेगी इस तरह से टैग लगा के, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि मैंने ये चीज लगाई तो मैंने डायरेक्ट H1 क्यों लिख दिया, ठीक है। एंड अगर मुझे यहाँ पर PHP यानी कि ये इसको इंक्रीमेंट करवाना था तो मैंने ये PHP स्टार्ट एंड क्यों किया, और ऊपर मैंने कोई वेरिएबल बनाना था तो मैंने PHP स्टार्ट एंड क्यों किया। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ी सी खुद से समझनी है। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसको भी नीचे भेज देते हैं, और अपने नेक्स्ट वाले लूप पर जाते हैं जो कि है फॉर ईच लूप, जो कि अरे के लिए होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, PHP स्टार्ट एंड कर लेता हूँ, और इसके अंदर एक ARR बनाऊंगा और उसके अंदर दे देता हूँ सबसे पहले नेम। नेम के अंदर क्या देना है जी, नेम के अंदर मैं दे रहा हूँ यासिर, और वर्क के अंदर मैं क्या दूंगा, फ्रीलांसिंग एंड ट्यूबिंग, ठीक है। तो कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड कॉमा लगा के एड्रेस, एड्रेस में दे दूंगा मियाँ वाली, एंड देन यहाँ पे बस इतना ही देते हैं। एंड अब इसको फॉर ईच डिस्प्ले करेगा, तो फॉर ईच के लिए @for लगाऊंगा, ठीक है, ईच लगाऊंगा। तो ये बोल रहा है कि आप ले सकते हो किस तरह से, आपने सबसे पहले अरे पकड़ानी है, इसको अरे पकड़ा दी, फिर आप लोग इसको इसकी की भी पकड़ सकते हो और साथ ही साथ इसकी वैल्यू को भी पकड़ सकते हो। इस तरह ये दो चीजें पकड़ के आप लोग एक H1 को डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि एक तो जो की है उसको इको करना है, दूसरा जो वैल्यू है @value उसको इको करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो नेम के अंदर यासिर, वर्क के अंदर फ्रीलांसिंग एंड यूट्यूबिंग, एंड हमारे पास एड्रेस के अंदर मियाँ वाली आ गया है। तो ये देखो फॉर लूप इस तरह से काम करती है, और सॉरी फॉर लूप नहीं, फॉर ईच लूप। तो ये तो हो गई ना इनकी मिसालें। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको नीचे ले जाता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू को देख लेते हैं। तो कंटिन्यू किस तरह से काम करता है, बिलफर्ज एक फॉर लूप है, जो कि मैंने ऐसा करते हैं इसे नीचे वाले को अनकमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ना अनकमेंट कर लेता हूँ, और इस सिलेक्ट को भी उड़ा देता हूँ, और इसको भी उड़ा देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ H2, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ iteration number, एंड यहाँ पे जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए ये देखो iteration कितनी चल गई हैं, ये हमारे पास 49 तक चल गई है। तो मैं चाहता ये हूँ कि ना अगर यहाँ पर इसी के अंदर मैं इफ लगा रहा हूँ, वो भी @if डायरेक्टिव आ गया। इसके अंदर क्या करूँगा कि इफ अगर i equal to होता है 5 के, ठीक है, तो क्या हो। सो यहाँ पर @
कंटिन्यू लगा दूंगा, तो क्या होगा कि ये जो पांच आइट्रेशन तक जाएगा ना, जब पांच आएगा ना, पांच कहता हूँ, हाँ पांच आएगा, तो फिर यानी कि ये स्किप हो जाएगा, ठीक है, पांच को ये डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो फोर के बाद पांच नहीं है बल्कि सिक्स आ गए हैं। तो कंटिन्यू क्या करता है, यहाँ से कंट्रोल वापस भेज देता है ऊपर, ठीक हो गया। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर ब्रेक यूज करूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक यूज करूंगा ना, ब्रेक डायरेक्टिव, तो ये पांच के आगे जाएगा ही नहीं, जब पांच आया तो ये पूरा का पूरा लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ फोर तक ये चीजें चली हैं, बाकी नहीं चला, बाकी हालांकि चलना तो चाहिए था लेकिन ये चला नहीं है, क्योंकि ब्रेक ने क्या किया है, इस लूप को ख़त्म कर दिया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ब्रेक भी समझ आ गई होगी। सो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और प्लेट हमारी डन हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो कि हमारा कंट्रोलर का होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।